और कैसे हो दोस्तों। अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा का टूर प्लान करने का सोच रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड प्रिकॉशंस बताने वाला हूँ ट्रैकिंग के रिलेटेड, जो कि आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए जो ट्रैकिंग आपको करनी पड़ती है, जिसकी दूरी होती है 16 किलोमीटर की, उससे रिलेटेड जानकारी आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे टिप्स आपको पता होनी चाहिए जिससे आप आसानी से वो ट्रैक कंप्लीट कर पाओ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पहली टिप आप लोगों के लिए ये होने वाली है कि सबसे पहले आप क्या करना है कि अच्छे सा एक बैग खरीद लेना, जिसकी कैपेसिटी आप कम से कम 65 लीटर और मैक्सिमम पर 90 लीटर तक का देख लेना, जो कि आपके लिए बजट में आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, जो कि 700-800 रुपये से लेकर 2,000-2,500 रुपये तक में मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बढ़िया रहेगी। और ये भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको उसमें एसेंशियल सामान आपको सारे रखने हैं, और दोस्तों उस बैग को टांग के आपको पूरी ट्रैकिंग करनी है 16 किलोमीटर की, तो ये भी ध्यान रखना है कि लाइट वेट होनी चाहिए वो। दोस्तों ये बात तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि समुद्री तल से केदारनाथ धाम की ऊंचाई जो है 3587 मीटर है, तो क्या होती है इसमें दिक्कत ये होती है कि ऊंचाई पर चढ़ने में ना आपको समस्या ये हो जाती है, आपका सांस फूलने लगता है या फिर आपके पेट में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर छोटी छोटी और भी प्रॉब्लम्स आपके साथ फेस करनी पड़ सकती है। तो एक पूरा एक फर्स्ट एड किट और कुछ दवाइयाँ रख लेना और डॉक्टर से सलाह ले के ही जाना। दोस्तों अगली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप एक ट्रैकिंग शू जरूर ही ले लेना। अगर आप रनिंग शू पहन के जा रहे हो तो आपके लिए वो कुछ फ़ायदेमंद नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे आपको दौड़ने नहीं जाना, आपको ट्रैकिंग करनी है, आपको चलना है, तो आपके लिए ट्रैकिंग शूज़ सबसे बेस्ट रहेंगे, जो कि आप ऑनलाइन आपको 500-600 रुपये से भी स्टार्ट होते हैं, तो अपने हिसाब से आप देख लेना, लेकिन आप ट्रैकिंग शूज़ ही पहन के जाना जो कि आपके लिए सबसे कम्फर्टेबल रहने वाला है ट्रैकिंग के दौरान। दोस्तों अगली टिप आप लोग के लिए होने वाली है कि आप खाने को पैक करके जरूरी रख लेना अपने साथ। आपको नीचे जैसे कि गौरीकुंड में आपको कोई चीज़ 20 रुपये दे रहा है, तो आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे तो उसका रेट बढ़ता जाएगा, जो कि आगे बढ़ के आपको वो 20 की जगह 100 रुपये का मिलने लगेगा। तो उस बैग में आप कुछ खाने के आइटम्स भी जरूर रख लेना, और साथ में ग्लूकोज, डार्क चॉकलेट्स और जो भी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह होती है वो भी साथ में रख लेना, क्योंकि ऊपर में आपको बहुत ज़्यादा महंगे भी मिलेंगे और पॉसिबिलिटी ये है कि नहीं भी मिले, क्योंकि वहाँ का मौसम भी ख़राब होता है, और कभी मान लो बारिश हो रही हो आपके जाने के टाइम में या फिर स्नोफॉल हो रही हो, तो आप ऐसे में उस टाइम में खरीद नहीं पाओगे, उस टाइम में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आप केदारनाथ किसी भी मौसम में जा रहे हो, चाहे आप अप्रैल मई में जून में कभी भी जा रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि वहाँ पे कभी भी स्नोफॉल या फिर बारिश आ सकती है, तो आपको अपने साथ एक रेनकोट जरूर पहन के रखना है, आप पहन के ही निकलना है रेनकोट, या फिर एक अम्ब्रेला तो रख ही लेना कम से कम, लेकिन अम्ब्रेला से अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि आप रेनकोट ही पहन के जाओ, जो कि सबसे कम्फर्टेबल रहने वाला है आप लोगों के लिए। और दोस्तों ज़्यादा ऊंचाई पर चलने की वजह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पानी जो कि आपको एकदम पर्याप्त मात्रा में रखनी है, जो कि आपको पूरे ट्रिप में आपको पानी का यूज़ करेगा, क्योंकि ऊपर में तो आपको महंगी मिलेगी, तो आपका अगर बजट की प्रॉब्लम है तो पानी भी अच्छे से आप सेव करके रखना और अच्छे से उसको यूज़ करना है, उसको बर्बाद मत करना। ऊपर आपको ऊपर में दिक्कत ये हो जाती है, आपको नेटवर्क का इशू आपको देखने मिलेगा, जैसे जैसे गौरीकुंड से आप ऊपर चढ़ते जाओगे केदारनाथ धाम के लिए, तो आपको नेटवर्क इशू फ़ोन में आपको नेटवर्क धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपके पास BSNL का सिम है या फिर आपके पास अगर जियो का सिम है तो आप वो ही लेके चलना, उसके अलावा जो सिम है वो फिर अच्छे से काम नहीं करते, जिसका सिग्नल वहाँ पर वीक होता है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि BSNL सबसे बेस्ट रहता है, BSNL का सिम ही यूज़ करना वहाँ पर ट्रैकिंग के दौरान। जब आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उसे एक महीने पहले से ही आप सुबह शाम चलना स्टार्ट कीजिए, सुबह में और शाम में दोनों, जैसे आप 1 किलोमीटर से शुरुआत करो पर डे का, अगले दिन क्या करो 2 किलोमीटर चलने की कोशिश करो, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, इससे फ़ायदा ये होगा ना कि आपको फिर आदत बन जाएगी, क्योंकि 16 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी है और वो भी नॉर्मल रास्ता नहीं होता है, रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आपको देखने को मिलती है, तो सब चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, तो ये आपको पहले से अगर आप आदत डालोगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर आप हार्ट के मरीज हो या फिर किसी और प्रॉब्लम से ग्रसित हो तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से सजेशन ले लेना कि आपके लिए सही होगा या नहीं होगा वहाँ जाना, और अपने सारे टेस्ट वगैरह भी करवा लेना, जैसे ECG हो गया, TMT हो गया, बेसिक जो मेडिकल जो कि चेकअप्स होते हैं वो भी ज़रूर करवा लेना, क्योंकि आपको समस्या वहाँ पर ना हो, अगर आपको सांस की प्रॉब्लम हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सब कुछ अच्छे से आप चेक करवा के डॉक्टर से सजेशन ले के दवाइयाँ साथ में रख के तभी निकलना। आप योग करना स्टार्ट कर दो एक महीने पहले से ही, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी सांस लेने में, अगर जैसे से ऊपर चढ़ते हो सांस की प्रॉब्लम अगर आपको है, अगर होगी तो आपको दिक्कत होगी, तो अगर आप योग करोगे तो आपको ये समस्या नहीं आने वाली है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या फिर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, मेरे हिसाब से आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि आप बिल्कुल इस ट्रिप को अवॉइड करो और पहले आप सही हो जाओ, उसके बाद ही ट्रिप प्लान करना, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा समस्या आपको देखने मिलेगी।
दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे तो हो सकता है आपको कोल्ड एयर का सामना करना पड़ जाए, जो बहुत ठंडी हवाएं जब चलने लगती है, तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप एक चीटर और एक मफलर अपने साथ जरूर रखना, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आपके बॉडी को वार्म रखने में मदद करेगा और वो हवा से बचाएगा। दोस्तों अगला सेशन मेरा ये रहेगा कि आप एक टॉर्च फुल चार्ज हो, इसके अलावा पावर बैंक जो कि चार्ज रहनी चाहिए, एक के जगह मैं कहूँगा कि दो रख लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगली टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप ध्यान रखना कि आपको गर्म कपड़े रख लेने हैं, चाहे आप मई जून में जा रहे हो या फिर जून जुलाई में किसी भी मौसम में जा रहे हो, तो ये मत सोचना कि गर्मी का मौसम होता है आपको ठंडी नहीं लगेगी। क्या है कि जब भी आप ऊंचाई पर चढ़ाई करोगे, क्योंकि गौरीकुंड से जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो ऊपर जैसे जैसे जाओगे आपको ठंडी का एहसास ज़्यादा होने लगेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कम से कम एक जैकेट जरूर रख लेना अपने साथ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जैसे ये थी वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ट्रिप के दौरान ट्रैकिंग करते हो तो आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।